तो इंडिया में काफी सारे क्लिनिक्स हैं जिनका रिजल्ट काफी ज्यादा नेचुरल है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हेयर पैच, हेयर विग वर्सेस हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। बेसिकली मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं, आप लोग आई थिंक आप लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है, आप कॉमेंट में लिखते हो, मैसेज मुझे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सर हमारा अवेलेबल डोनर एरिया है नहीं, टाइम हमारे पास कम है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए, तो क्या हम हेयर रिप्लेसमेंट, हेयर विग या फिर हेयर पैच की तरफ जा सकते हैं अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा एंड आई विल मेक श्योर कि वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर हो जाएं, ताकि आपको एक कंक्लूजन मिल जाए कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना ज़्यादा बेटर रहेगा या हेयर विग कराना बेटर रहेगा, कब हमें हेयर ट्रांसप्लांट कराना ज़्यादा अच्छा रहता है और कब किस कंडीशन में हमें हेयर विग या फिर हेयर रिप्लेसमेंट कराना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ, ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएं और लास्ट में आपको एक फाइनल आउटपुट मिले। फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल में आए ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं लाता रहूँ डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाए। बेसिकली आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हेयर विग और हेयर पैच में डिफरेंसेस होता है। हेयर विग होता है पूरे सर के लिए जो आती है, हम काफ़ी सारे पुरानी मूवीज़ में हमने देखा होगा, काफ़ी एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि इस पे ट्रॉल्स भी काफ़ी बने हैं कि हेयर विग पहनी हुई है, हम बाइक चला रहे हैं हम या कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, हेयर विग गिर जा रही है। सो हेयर विग वो चीज़ होती है जो हमारे फुल हेयर के लिए होती है, फुल हेड के कवर करने के लिए होती है। एंड हेयर पैच की जहाँ तक बात करें तो हेयर पैच आजकल ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, इन 5-6 सालों में हेयर पैच ज़्यादा पॉपुलर हुआ है इंडिया में। बेसिकली हेयर पैच में यह होता है, हमारा एक सर्टन एरिया उसको कवर करने के लिए हेयर पैच यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हेयर पैच लगा दिया गया है, एक सर्टन एरिया को ट्रिम किया जाता है, उसके ऊपर हेयर पैच लगा दिया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा हेयर विग से नेचुरल लगता है एज कम्पेयर टू हेयर विग। हेयर विग काफ़ी अननेचुरल लगती है एंड दे आर मेड अप ऑफ फाइबर्स और समथिंग लाइक दिस। एंड हेयर पैच की अगर हम बात करें तो आजकल हेयर पैच नेचुरल हेयर से भी बनी जाती है, आप जापान से देखें तो नेचुरल हेयर से बनी जाती है और सिंथेटिक हेयर से भी काफ़ी बनती है, लेकिन दे मेक श्योर कि जिस चीज़ से भी हेयर पैच बनाओ इट शुड लुक नेचुरल लाइक ह्यूमन हेयर्स। अब बात करते हैं ये क्या कोई भी लगा सकता है। ऑब्वियसली अगर आप हेयर पैच की बात करें तो ये कोई भी लगा सकता है, इट्स नॉट लाइक कि इसमें एक सर्टेन एज या फिर कुछ क्राइटेरिया नहीं होता जिसको फुलफिल करके हम हेयर पैच लगा सकते हैं। हेयर पैच लगाने के लिए बेसिकली अगर आप पे लिमिटेड डोनर एरिया नहीं है, फॉर एग्जांपल हम आगे भी इस बारे में बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इंसान को मजबूर कर देती है हेयर पैच लगाने के लिए रेदर देन हैविंग अ हेयर ट्रांसप्लांटेशन डन। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक लिमिटेड डोनर एरिया नहीं है, जैसे आपको हेयर ट्रांसप्लांट में एक नंबर ऑफ ग्राफ्ट चाहिए उतना आपके पास एक्सेसिबल डोनर एरिया नहीं है, सो हेयर रिप्लेसमेंट या फिर हेयर विग, हेयर पैच ज़्यादा रिकमेंडेड होता है। और अगर आप देखें प्राइसिंग की इसकी बात की तो ये 3,500 से लेके 20,000 तक इसकी प्राइसिंग है। कुछ सेलिब्रिटीज़ इसको अभी भी यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली दे कैन हैव हेयर ट्रांसप्लांटेशन डन बट वो यूज़ रिकमेंड या फिर प्रेफर वो हेयर विग को ही करते हैं, हेयर पैच को ही करते हैं, जस्ट बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज़ अ सर्जरी, वो 6 महीने लेती है रिकवर होने के लिए, हेयर रिग्रोथ प्रोसेस को कम से कम 5-6 महीना लगता है। उतना अगर आपके पास बिजी शेड्यूल है, आपके पास उतना टाइम अवेलेबल नहीं है, सो यू कैन गो फॉर हेयर विग। अब बात आती है इसकी मेंटेनेंस के बारे में। देखिए हेयर विग ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लगा ली तो ज़िंदगी भर आप इसको लगा के रखोगे या फिर ज़िंदगी भर आपको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेयर विग इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप एक हेयर विग लगाते हो, 3 महीने बाद आपको वापस से जहाँ से आपने हेयर विग लगवाई है या फिर कोई लोकल स्टोर में जाना पड़ता है, उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है। सर्विसिंग से मेरा मतलब ये है, वो हेयर विग को दोबारा निकाला जाता है, वहाँ पे जिस चीज़ से ग्लू से वो लगाया जाता है, वापस से वहाँ नया ग्लू लगाया जाता है और फिर वापस से हेयर पैच को चिपकाया जाता है। इसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हेयर कट, इसमें कॉस्ट लगती है, सर्विसिंग कॉस्ट। लेकिन ये है कि आपको हर 2 से 3 महीने में इसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है, बिकॉज अगर आप सर्विसिंग नहीं करवाओगे तो हेयर जो फाइबर्स होते हैं, जो विग में जो हेयर्स होते हैं, वो झड़ने शुरू हो जाते हैं और इट कैन ऑल्सो क्रिएट इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन भी क्रिएट कर सकता है अगर आप उसकी सर्विसिंग टाइम पर नहीं करवाएं तो। वेयर एज इन हेयर ट्रांसप्लांटेशन, आप ट्रांसप्लांट की हम बात करते हैं तो इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर, इसको रिकवर करने के लिए कम से कम 5-6 महीना लगता है हेयर को रीग्रो होने के लिए। सो ऑल दो इट्स अ नेचुरल हेयर्स, इट्स योर ओन हेयर्स को डोनर एरिया से निकाल के रेसिपिएंट एरिया में लगा दिए जाते हैं एंड रिजल्ट नेचुरल होते हैं। ऑब्वियसली आपके नेचुरल हेयर्स को रिजल्ट नेचुरल ही होगा। और लुक्स की बात करें तो ये एस्थेटिक्स में काफ़ी चेंज ले आता है, इसके एस्थेटिक्स एज कम्पेयर टू विग थोड़ा ज़्यादा अच्छे होते हैं, यू लुक मोर अट्रैक्टिव एंड मोर नेचुरल एज कम्पेयर टू द विग्स। और ऑब्वियसली आपके कॉन्फिडेंस में भी इंटरनल बूस्टअप आता है, अगर आप कोई विग या फिर हेयर पैच लगा के घूम रहे तो समहाउ यू फील कि यार कुछ ना कुछ आपके अंदर में एक फीलिंग आती है कि नहीं भाई हम कुछ ना कुछ हमने कर रखा है। लेकिन वैन
यू हैव योर हेयर ट्रांसप्लांटेशन डन, तो ट्रांसप्लांट का रिजल्ट ऑब्वियसली लेट आता है, लेकिन एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है हमारे अंदर कि ऑब्वियसली दीज आर माई नेचुरल हेयर्स एंड दीज आर माई ओन हेयर्स, ये मेरे अपने बाल हैं, और सामने वाला भी ऑब्वियसली देख नहीं पाता, यू नो गैस नहीं कर पाता कि आपने ट्रांसप्लांट करवाया या कुछ सर्जरी हुई है आपके सर पे। अब बात करते हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं कि कॉस्ट में ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं इसके बारे में। देखिए कॉस्ट में डिफरेंस होता है ऑब्वियसली, हेयर ट्रांसप्लांटेशन हेयर विग से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर हम पुरानी बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांट 2-2.5 लाख से स्टार्टिंग ही होता था, लेकिन अब अगर हम इंडिया में बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन 20,000 से स्टार्ट हो गए, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक जा रहे हैं। लेकिन हेयर विग की बात करें ये काफ़ी सस्ती होती है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए, लेकिन अगर मेंटेनेंस की बात करें तो एक हेयर विग ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना चलती है, और उसमें भी उसको 3 से 2 महीने में मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली एक विग अगर आपको थोड़ी सस्ती पड़ रही है, लेकिन मेंटेनेंस में उतना खर्चा हो जाता है। जहाँ तक अगर हम ट्रांसप्लांट की बात करें, ऑब्वियसली इट्स बिट एक्सपेंसिव देन विग, बट द प्रोमिस दे आर गिविंग लाइक नेचुरल लुक होगा, योर एस्थेटिक्स इम्प्रूव्स, और एक बार करवा लो टाइम, रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा लेकिन बार बार इसको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। योर नेचुरल हेयर, इसको आपको एज अ नेचुरल हेयर ट्रीट करना है ऑब्वियसली, कोई ज़्यादा ऑब्वियस 1-2 हफ्ता नॉर्मल दवाइयाँ चलती है, उसके बाद आपको मिनोक्सिडिल लगाना पड़ता है 5-6 महीने, डॉक्टर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, डॉक्टर टू डॉक्टर भी वेरी करता है, कुछ डॉक्टर्स 6 महीने के लिए देते हैं, कुछ डॉक्टर्स 1 साल के लिए देते हैं, लेकिन एक ही बार ये खर्चा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 साल के लिए मैं मिनोक्सिडिल लगा रहा हूँ, उसके बाद आपके जो हेयर्स हैं वो बिल्कुल नेचुरल हैं, एज यू विल हैव टू ट्रीट देम एज योर नेचुरल हेयर्स, वेयर इज इन विग, आप विग को एक विग को ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 1 साल चला सकते हैं, उसके बाद आपको दूसरी विग चेंज करनी पड़ेगी और उसमें भी मेंटेनेंस का खर्चा होगा। तो हाँ प्राइसिंग का डिफरेंस है, हेयर ट्रांसप्लांट इज बिट एक्सपेंसिव रेदर देन हेयर विग। अब बात करते हैं किन किन पेशेंट्स को हेयर विग लेनी चाहिए, किन किन पेशेंट्स को हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। देखिए अगर आपकी एज अभी कम है, फॉर एग्जाम्पल 25-26 साल के हो आप, एंड यू हैव अमाउंट ऑफ डोनर एरिया दैट इज नीडेड फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, आपके पास अवेलेबल डोनर एरिया है जिससे आपका ट्रांसप्लांट हो सकता है, तो आप ऑब्वियसली ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। एक बार एक सर्जरी होगी और काफ़ी टाइम तक, ये एक नेचुरल सर्जरी होती है, काफ़ी ये DST अनअफेक्टेड हेयर्स रहते हैं। और अगर आपके पास लिमिटेड डोनर एरिया नहीं है, और फॉर एग्जाम्पल आपको 6 महीने बाद 3 या 4 महीने बाद आपकी शादी है, देन यू कैन गो फॉर अ हेयर विग, आप हेयर रिप्लेसमेंट चूज़ कर सकते हो। और जहाँ तक हम बात करें नेचुरल रिजल्ट्स की, तो इंडिया में काफ़ी सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऐसा रिप्लेसमेंट किया जाता है कि रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगता है, नो वन इवन कैन गैस कि यार ये बंदे ने रिप्लेसमेंट किया या कोई हेयर विग लगाई हुई, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रिजल्ट होते हैं एक्स कम्पेयर टू द हेयर ट्रांसप्लांट, बिल्कुल एज इट इज सेम रिजल्ट आपको देंगे। आफ्टर ऑल दे आर विग, दे आर यू नो नॉट योर नेचुरल हेयर, बट रिजल्ट्स आर सिमिलर लाइक हेयर ट्रांसप्लांट एंड योर नेचुरल हेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लाऊँ डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग गाइस।